ਸਰ ਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਵਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਕ ਹਿਮ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी तो मैं हाँ खुशबू अज सिनेमा घर रिलीज़ हो चुकी है मूवी छिंदा छिंदा नो पापा मोस्ट अवेटेड मूवी कह सकते हैं तो दस दिए कि इस गिप्पी गरेवाल तो उन्होंने पुत्र छिंदा नज़र आएगा लीड करैक्टर नज़र आएगी हिना खान जिन्हों हर कोई जानता जेड़े सीरियल्स दुनिया के एक वड्डा चेहरा कह सकते हैं हिना खान तो पंजाबी फिल्म नज़र आएंगे तो यदि जो स्टोरी है हट के दसी जा रही है एक बच्चे का इस अहम किरदार है इस स्टोरी अगे वधाउण दे विच इस बच्चे का अहम किरदार है तो स्टोरी आले दुआले छिंदे दे घूमती है तो नाम तो ही पता लग सकता है कि छिंदा छिंदा नो पापा यानी छिंदे का करैक्टर कितना मेन होएगा सो लोगों के कोलों जान दिया कि मूवी उन्होंने कहो जी लगी इस दे विच जो छिंदे का करैक्टर है गिप्पी का करैक्टर है तो हीना खान की एक्टिंग जो पंजाबी फिल्म दे विच उन्होंने वालों की गई है लोगों को कितनी कु पसंद आई है सो चल रहे हैं तो लोगों के कोलों जान दिया मूवी के रिव्यू अच्छ असी पहुंचे हाँ पंजाबी फिल्म जो रिलीज़ हुई है छिंदा छिंदा नो पापा वो मूवी देखने पहुंचे हाँ तो वो मूवी कहो जी लगी वह जानते हैं लोगों के कोलों लोगों के रिव्यूज़ लेने कि वह मूवी जो असी देखा टीजर ट्रेलर की कॉमेडी टाइप दिखाया गया सो लोगों के कोलों जानते हैं सर कौन सर कि लगी मूवी मूवी गुड इस दे विच ज़्यादातर पापा के रोल नूं दस्या गया कि जो पेरेंट्स ने बच्चों नूं समझाउंदे ने मारदे कुटदे भी ने तो वह किवें दा लगा कॉन्सैप्ट फॉरन के रूल तो इत्थे दे नहीं रूल तो वही होने चाहिए सेम है मगर बच्चे कुटना नहीं चाहिए ये गल बड़ी सोहनी दसी इन्होंने जी ते भी अगे काफी हद तक फर्क पड़ता है बीइंग ए फैदर तुसी किन्ना को कुटदे रहे हो मैं नहीं कुटा जी अपने बेटे नु मैं छोटे हुंदे भावें इक अद्धी वार थप्पड़ मारा उस तो बाद नहीं जब तक असीं इह कल्चर देखना शुरू किया फिल्मां विच भी तो उस तो बाद फिर असीं मैं भी छड्डता जी तुहानू की लगता है ये रूल आना चाहिए नहीं नहीं आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए रूल जी होना चाहिए इंडिया भी होना चाहिए जी कैसी लगी मूवी अच्छी है अच्छी नाइस मैसेज हाँ जी बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी तो इस मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे गलती कर सकते हैं बट उनको प्यार से समझाना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनके ऊपर हाथ उठाया जाए और थोड़ा बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमें कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए समझाते हैं जी तो तुसी किन्ना का कोड़ दे अपने बच्चों को आस्क हिम इज देयर मैं जरूर पूछना चाहूंगी हेलो क्या नाम है आपका रिहांश रिहांश तो कितनी शरारतें करते हो बहुत ज्यादा मम्मा मारती है थोड़ा थोड़ा कैसा लगता है ऐसा मन में कभी आया मूवी देख के आए हो जैसे छोटे छोटे बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंच गए पेरेंट्स की कंप्लेंट के लिए मन में कभी आया नहीं चलो मैं यही कहूंगी कि मम्मा को कम तंग किया करो ठीक है ओके सर की भी लगी फिल्म बहुत बढ़िया ही फिल्म जी बहुत एंजॉय किया फिल्म ते इस दे विच एक्टिंग गिप्पी दी छिंदे दी या जो हिना खान है उन्हां दी एक्टिंग सब तो ज्यादा केदी चंगी लगी छिंदे दी बहुत बढ़िया लगी जी हां जी जी ते कितने स्टार देना चाहोगे 5 स्टार सर ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ सो हुणे असीं लोकां दे नाल गल्लां बातां कीतियां लोकां दा कहना है कि मूवी A1 है मूवी उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो इस दे विच जो स्टोरी दसी गई है कि किवें पंजाब दे विच जदों बच्चे शरारत करदे ने तां मां पे इक अद्धी कन्न थले ला दिंदे ने पर जेकर फॉरन दी गल कीती जाए खास करके कैनेडा जो इस दे विच दस्या गया तां जेकर उत्थे बच्चे नूं उसदे पेरेंट्स कुछ कहिंदे ने तां बच्चा पुलिस कंप्लेंट कर सकदा तां उही दस्या गया कि जदों उह बच्चा पंजाब आ जांदा तो एक पिता कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंदा है कि रिश्तों के विचों कह लो मिठास नहीं रह जाती थोड़ा जा दबक दिता तो पुलिस नूं बुला लिया जाता वो सारा दस्या जाता तो एंड ते मूवी थोड़ा जा इमोशनल कर देंदी है कॉमेडी जिथे मूवी ने सारा टाइम लोगों नूं हसाया उत्थे ही एंड दे विच इमोशनस अजिहे ने कि हर एक दी अखां दे विचों हंझू भी निकले ने सो लोगों का कहना है कि उन्होंने मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो जो लोग ये मूवी देखना चाहते हैं मैं जरूर कहूँगी
ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬੌਂਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੀ ਸੇਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੰਦਾ ਛਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।